अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी 5 मिनट डिज़र्ट और इसका नाम है पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट। बहुत मज़े का बनता है, कोई बेकिंग नहीं है, कोई इसमें कुकिंग नहीं है और लिटरली सिर्फ 5 मिनट आपको लगेंगे और ये मीठा जो है वो तैयार हो जाता है। और जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्रेश पाइनएप्पल क्रीम केक खा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1.5 कप की जितनी व्हिपिंग क्रीम और इसमें मैंने ऐड की है 4 टेबलस्पून की जितनी आइसिंग शुगर और इसको बीट करना है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं तो आप रेगुलर टेट्रापैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। क्रीम को मैंने कम्प्लीटली बीट नहीं किया और यहाँ पे ये है मेरे पास पाइनएप्पल जूस जो कैन में साथ ही होता है वही वाला सेम। सो इसके मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून क्रीम में। इससे एक क्रीम जो है वो बहुत टेस्टी बन जाती है, फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। पाइनएप्पल जूस ऐड करके बस अब आपने क्रीम को कम्प्लीटली व्हिप कर लेना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल थिक हो जाए। जैसे ही थिक हो उसी पॉइंट पे आपने इसकी बीटिंग को स्टॉप कर देना है। अब हम इस डिज़र्ट की एक बेस तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है मैरी बिस्किट। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, मैंने सभी ट्राई किए हैं बट सो फार इस ब्रांड के मैरी बिस्किट सबसे ज़्यादा खाने में टेस्टी हैं। बिस्किट्स को आपने बस ऐसे रफली पीसेस में तोड़ना है और डिश में पूरा नीचे फैला देना है। अब जो क्रीम हमने पहले से व्हिप करके रखी हुई थी उसकी हाफ क्वांटिटी की एक लेयर हम यहाँ पे लगा देंगे। आप लेयरिंग में वेरिएशंस भी कर सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट सॉस ऐड कर सकते हैं, मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड की जा सकती है, एक लेयर जो है वो चॉकलेट गनाश की भी हो सकती है और इवन चॉकलेट चिप्स भी ऐड किए जा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पे एक लेयर अब मैं ऐड कर रही हूँ पाइनएप्पल की। अब इस रेसिपी में थोड़ा क्रंच ऐड करने के लिए, और ड्राई फ्रूट्स हमेशा ही क्रीम और केक वगैरह में अच्छे ही लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं तकरीबन क्या लें 2 टेबलस्पून के जितने अखरोट चॉप किए हुए, और यहाँ पे बस बाकी की जितनी बची हुई क्रीम थी वो भी पूरी मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 मैरी बिस्किट और इसको जिप लॉक में ऐड करके आपने थोड़ा सा क्रश कर लेना है। पाउडर नहीं बनाना है, बस क्रश कर लें। क्रश किए हुए बिस्किट से हम इसको गार्निश करेंगे और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरा जो टॉप लेयर है इसके ऊपर पूरे भी बिस्किट ऐड कर सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहें, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बाकी के भी जितने पाइनएप्पल्स बचे हुए हैं इसको यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ और ये डिज़र्ट जो है वो तैयार है। बस अब मैं इसको कवर करके फ्रिज में रख दूँगी ताकि बिल्कुल अच्छा ठंडा हो जाए और फिर इसको सर्व करते हैं। इस डिज़र्ट की मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, तो आई होप अब आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इसकी पिक्चर्स आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, यूज़र नेम है हुमा इन द किचन। आप देख सकते हैं कि इसकी लेयर्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरती से सेट हो चुकी हैं। इट्स जस्ट लाइक अ केक और अब इसको ट्राई करते हैं। तो लीजिए, तैयार है होममेड पाइनएप्पल क्रीम डिलाइट और ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े का है। इट्स वेरी लाइट और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम फ्रेश पाइनएप्पल केक खा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।